सबसे पहले सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से बताने वाले हैं। दोस्तों कश्मीर प्रीमियर लीग के चौथे मैच के हवाले से दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 बताने वाला हूं। दोस्तों शान मसूद की टीम और उसके बाद पाकिस्तान टीम के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी शुएब मलिक की टीम, इन दोनों की टीम आपस में मध्य मुकाबले आएंगी चौथे मैच में। KPL के तमाम तर डिटेल से दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 बताने वाला हूं। इस मैच के टाइम टेबल आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि ये मैच कब, कहां और किस टाइम खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच कितने बजे शुरू होगा और दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 बताने वाला हूं। दोस्तों पाकिस्तान टीम के सच्चे और पक्के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर आल पर लाजमी क्लिक कर देना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की जानेब और आप दोस्तों को प्लेइंग 11 बताने वाली हैं। दोस्तों पहले आप दोस्तों को बताने वाली हैं शान मसूद की टीम के हवाले से आप दोस्तों को मुकम्मल तफसील से प्लेइंग 11 बताने वाली हैं। दोस्तों शान मसूद की टीम में पहले नंबर पर होंगे शान मसूद, दूसरे नंबर पर होंगे फैल मुस्टर्ड और अगर तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पर होंगे इफ्तिखार अहमद और चौथे नंबर पर रखा गया है रुहेल नज़ीर को। पाँचवें नंबर पर होंगे उमैद आसिफ, छठे नंबर पर होंगे रुहेल नज़ीर। अगर सातवें नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों सातवें नंबर पर होंगे मोहम्मद इलियास और आठवें नंबर पर होंगे मोहम्मद इमरान जूनियर। बात कर लेते हैं दोस्तों नौवें नंबर पर होंगे उस्मान मुगल और दसवें नंबर पर होंगे ज़ीशान ज़मीर। ग्यारहवें नंबर पर होंगे रिहान अली। अब आप दोस्तों को बता देते हैं शुएब मलिक की टीम के हवाले से मुकम्मल प्लेइंग, जो कि मीरपुर टीम है। दोस्तों शुएब मलिक कप्तान होंगे, दूसरे नंबर पर होंगे उवैस शाह, तीसरे नंबर पर होंगे शर्जील खान जो कि बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। अगर चौथे नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों चौथे नंबर पर होंगे खुशदिल शाह और पाँचवें नंबर पर होंगे मोहम्मद इरफान, छठे नंबर पर होंगे सुलेमान अरशद और सातवें नंबर पर होंगे माद भट्ट, आठवें नंबर पर होंगे सुहेल अख्तर, नौवें नंबर पर होंगे मुख्तियार अहमद जबकि दसवें नंबर पर होंगे इब्रार अहमद और ग्यारहवें नंबर पर होंगे शादाब मजीद। ये दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 बताई है। दोस्तों ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन के 2 बजे शुरू हो जाएगा।